सभी विद्यार्थियों को नमस्ते विद्यार्थियों इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल कक्षा दस में जो भारतीय संस्कृति और विरासत वाला विषय है उसका चैप्टर नंबर दो इतिहास इसके पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे तो इस विषय के अंतर्गत जो पाठ दिए गए हैं उसको मैंने पाठों को पढ़ाया है तो आप इसी चैनल के ऊपर जो प्ले बनी हुई है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की भारतीय संस्कृति और विरासत वाली वहाँ जाके आप पाठों को भी पढ़ सकते हो या फिर आपके पास बुक है किताब है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने जो है पाठ में जो दिए गए क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन लिए इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है तो वो भी इसमें दिए गए हैं देखो क्योंकि आपका जो चैप्टर है बहुत लेंथी लेंथी चैप्टर है बहुत बड़े बड़े जो पाठ है और उसके अंदर ये है कि उन पाठों के अंदर क्या है कि आपके भारतीय संस्कृति और विरासत वाला हिस्सा भी दे रखा है साथ ही उसी चैप्टर के अंतर्गत आपके राजस्थान वाला हिस्सा भी दे रखा है मान लो अभी इतिहास वाला पाठ है तो इतिहास वाले पार्ट में जो आपके पहले तो भारतीय संस्कृत भारत का इतिहास के बारे में बता रखा है उसके बाद में राजस्थान के इतिहास के बारे में बता रखा है तो दोनों ही पॉइंटों से आपके क्वेश्चन बनते हैं और अलग अलग चैप्टरों को उसमें बता रखा है अलग अलग जो टॉपिक बता रखे है उनमें अलग अलग क्वेश्चन भी उसमें दे रखे हैं तो इस वीडियो के अंतर्गत हम जो भारत के अंतर्गत भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लेंगे फिर अगले वीडियो के अंतर्गत हम जो राजस्थान के संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं इसी पार्ट में वो हम लेंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि ये तो बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है बहुत सारे क्वेश्चन हैं देखो अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको सारे क्वेश्चनों को पढ़ना ही पड़ेगा शॉर्टकट कहीं भी नहीं अपनाया जाता ठीक है आप सोचो कि उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की हम तैयारी कर लें तो महत्वपूर्ण क्या होगा क्योंकि आप जब अच्छे से पाठों को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो आपके लिए कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठ के आए तो आपके लिए आसानी रहेगी आप उसका आंसर

जो है की सभ्यता से मिली है. तो मिली है है तो घोड़े की की से से सभ्यता प्रश्न संख्या दो है वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है तो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है अगला क्वेश्चन है तीसरा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहा गया तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महा महाभिनिष्क्रमण कहा गया तो देखो आपके जो पेपर में छोटे क्वेश्चन भी आते हैं अति लघुतात्मक क्वेश्चन आते हैं जिनके उत्तर आपको एक लाइन में देना होता है इसके बाद में लघुतात्मक क्वेश्चन आते हैं ठीक है जो थोड़े बड़े होते हैं जिनके उत्तर पचास से साठ शब्दों में देने होते हैं प्रश्न संख्या चार है जैन धर्म किन शाखाओं में विभाजित किया गया है तो जैन धर्म को जो दो शाखाओं में विभक्त किया गया है या विभाजित किया गया है पहला है सेवताम्बर दूसरा है दिगंबर प्रश्न संख्या पांच है सोलह शक्तिशाली जनपद का नाम बताइए तो सोलह महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था प्रश्न संख्या छह है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में किया गया था प्रश्न संख्या सात है मैगनिस्ती द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए तो मैगनिस्त द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है इंडिका प्रश्न संख्या आठ है अशोक का हृदय किस युद्ध के पश्चात परिवर्तित हो गया था तो अशोक का हृदय कलिंग युग के पश्चात परिवर्तित हो गया था प्रश्न संख्या नौ है या कर्ण्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई तो कर्ण्य वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा की गई थी प्रश्न संख्या दस है चरक ने आयुर्वेद की किस पुस्तक को लिखा तो चरक ने आयुर्वेद की जो है वो चरक संहिता नामक पुस्तक को लिखा था प्रश्न संख्या ग्यारह संघ संवत किस वंश के राजा ने चलाया तो संघ संवत कुषाण वंश के राजा ने चलाया प्रश्न संख्या बारह शासक के समय भारत यात्रा की तो इसका आंसर है कि चीनी यात्री ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा की थी तो देखो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप याद करते हो तो आपके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं जो ऑप्शन वाले एमसीटू वो भी आपके तैयार हो जाते हैं प्रश्न संख्या तेरह है, है सोमनाथ मंदिर को किस विदेशी शासक ने लूटा तो सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा प्रश्न संख्या है का प्रथम युद्ध किसके मध्य मध्य हुआ तो का अलाउद्दीन के के खिलजी ने प्रारंभ की, तो खिल की थी तो घोड़े को दागना है यह दागना है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है घोड़े तो को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी प्रश्न संख्या सोलह है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे कौन थे हरिहर और बुक्का प्रश्न संख्या सत्रह ने खानवा के युद्ध में कौन सी पद्धति से युद्ध किया था तो इसका आंसर है बाबर ने खानवा के युद्ध में तुगलुमा पद्धति से युद्ध किया था प्रश्न संख्या अठारह किस युद्ध के, के बाद शेर खान ने शेर की उपाधि धारण की तो चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की प्रश्न संख्या उन्नीस शिवाजी के अध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए तो शिवाजी के अध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था प्रश्न संख्या उन्नीस गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था प्रश्न संख्या इक्कीस है भक्ति आंदोलन के वो प्रमुख धाराएं कौन कौन सी है तो भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं भक्ति आंदोलन की दो प्रमुख धाराएं है सगुण भक्ति धारा और निगुण भक्ति धारा प्रश्न संख्या बाईस है सिखों के पांचे गुरु का नाम लिखिए तो सिखों के पांच गुरु कौन है वो लिखेंगे कि सिक्खों के पांचवें गुरु अर्जुन देव थे प्रश्न संख्या तेवीस है सती प्रथा विरोधी कानून किसके प्रयास से बना तो सती प्रथा विरोधी कानून है वो राजा राय के प्रयास से बना प्रश्न संख्या है वेदों की ओर लोटो नारा, तो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया प्रश्न संख्या उन्नीस है सॉरी पच्चीस प्रश्न संख्या पच्चीस है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है तो ये आनंद मठ जो उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर का वहां से लिया गया है प्रश्न संख्या छब्बीस है एनफील्ड राइफल के कारतूस पर क्या लगा हुआ माना गया है तो एनफील्ड राइफल के कारतूस पर सुअर और गाय की चर्बी लगा हुआ माना गया है देखो जब आप ये लेसन पढ़ोगे ये पार्ट को पढ़ोगे आप तो आपको सब चीजें उसमें दे रखी है कि अठारह सौ की क्रांति से संबंधित ये एनफील्ड राइफल है तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको ये पार्ट के क्वेश्चन में जल्दी से आसानी से याद हो जाएगी तो जरूरी है कि आप जो अपनी किताब है उससे इस पार्ट को पढ़ो या फिर इस यहाँ पर चैनल पर वीडियो दे रखे हैं तो आप वहाँ से भी पाठों को पढ़ सकते हो है ना और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को देखते हो तो आपको आसानी से क्वेश्चन आंसर याद हो जाते हैं ठीक है ठीके? और ऐसे डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर को देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि क्या चीज़ कहाँ से लिंक करती हुई है और क्या चीज़ बताई गई है क्योंकि पाठ के पढ़ने के बाद में क्या होता है कि वो चीज़ें हमारी लिंक हो जाती है कि हाँ ये चीज़ हमने वहाँ पढ़ी थी यहाँ पर ऐसी ऐसी घटना हुई थी ठीक है वो पूरी कहानी के रूप में हमारे दिमाग में थोड़ा छप जाता है अब है प्रश्न संख्या सत्ताईस अठारह सौ सत्तावे ईस्वी की क्रांति पर प्रारंभ हुई तो क्रांति सर्वप्रथम बेरकपुर की छावनी से प्रारंभ हुई प्रश्न संख्या अट्ठाईस अवध में अठारह सौ सत्तावन ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया तो अवध में अठारह सौ क्रांति का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था इसने किया था बेगम हजरत महल तो अलग अलग जगह में जैसे अवध है झांसी है ठीक है सतारा है या फिर हम कहें कि अपने यहाँ पर राजस्थान के अंतर्गत हैं है ना तो जगह जगह बिहार है तो जगह जगह अलग अलग क्रांतिकारियों ने उनका क्रांति का नेतृत्व तो किया था नरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे तो नरम दल के प्रमुख नेता दादा भाई नेहरोजी सुरेंद्र बनर्जी गोपाल कृष्ण गोखले फिरोज साहब थे प्रश्न संख्या तीस है गरम दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे तो गरम दल के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र बाल थे जिनको हम लाल बाल पाल भी कहते हैं प्रश्न संख्या इकतीस से पूना में होम रूल लिंग की स्थापना किसने की तो पूना में होम रूल लिंग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी प्रश्न संख्या बत्तीस जलियावाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया तो जलियावाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था प्रश्न संख्या तैतीस है राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना चौतीस है प्रारंभ हुआ तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है उन्नीस 1942... में प्रारंभ हुआ कब हुआ उन्नीस में जो कि गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था प्रश्न संख्या पैतीस चौपकर चापेकर बंधुओं ने किन अंग्रेज अधिकारी की हत्या की तो चापेकर बंधुओं ने पूना के प्ले कमिश्नर रेड एम लेफ्टिनेंट जन, जनरल अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी प्रश्न संख्या छत्तीस मदन लाल घिंगरा को फांसी क्यों दी गई तो मदन लाल घिंगरा को वी को गोली मारने के लिए फांसी दी थी क्योंकि उन्होंने इस क्रांतिकारी के अंतर्गत यह भी शामिल थे तो उन्होंने वायली को गोली मार दी थी इसलिए उनको फांसी दी गई थी अब अन्य महत्वपूर्ण अति लघुतात्मक प्रश्न इसके अंतर्गत कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन रहे हैं जैसे प्रश्न नंबर एक है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दी गई तो तेवीस मार्च उन्नीस को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई प्रश्न संख्या दो है चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को कौन से पार्क में गोली मार ली थी तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को अल्फ्रेड पार्क में गोली मार ली थी यानी कि अंग्रेजों के हाथ में आए उन्होंने अपने आप को गोली मार ली प्रश्न संख्या तीन है वीर सावरकर को कौन से जेल में रखा गया था तो वीर सावरकर को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में रखा गया था एक तरह से काला पानी की सजा होती है अंडमान द्वीप में वहां पर तो ये जो जेल बनी हुई है सेलुलर जेल ये काला पानी जैसी है मतलब काला पानी मतलब वहाँ पर एकदम इस तरह की जेल है कि आस पास में कोई मनुष्य नहीं है कोई प्राणी नहीं है इस तरह की जेल वहाँ पर बनी हुई है प्रश्न संख्या चार है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 सौ ईस्वी में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी प्रश्न संख्या पांच आर्य समाज के संस्थापक कौन थे तो आर्य समाज के जो संस्थापक संस्थापक है जो है वो दयानंद सरस्वती थे प्रश्न संख्या छह है अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम वेमनस्य बढ़ाने के लिए कौन सी नीति अपनाई तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का प्रयोग किया था मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई तो मंगल पांडे को चर्बी यानी सूअर की चर्बी कारतूस मुंह में मुँह से काटने से मना कर दिया जिसे अंग्रेजों ने उनको क्या किया अंग्रेजों को उन्होंने विरोध किया और अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी कि मंगल पांडे ने क्या किया चर्बी यानी सूर की चर्बी वाले जो कारतूस है उसको मुंह से काटने से मना कर दिया है ना तो मना करने पर अंग्रेजों ने उनको उनके विरोध किया उन्होंने अंग्रेजों का और अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी प्रश्न संख्या आठ है राष्ट्रीय गीत कौन सी पुस्तक से लिया गया तथा उस पुस्तक के रचयिता कौन है तो राष्ट्रीय गीत आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है तथा उसके रचयिता बंकिम का चट्टोपाध्याय उपाध्याय है प्रश्न संख्या नौ है स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे प्रश्न संख्या ग्यारह वेदों की ओर लौटो सॉरी वेदों की ओर लौटो यहाँ पर है वेदों की ओर लौटो तो वेदों की ओर लोटो का नारा किसने दिया था तो वेदों की ओर लोटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ने दिया था अब ये थे आपके जो वस्तुनिष्ठ छोटे छोटे क्वेश्चन थे अति लघुतात्मक जो आपके पाठ में दिए गए वो है साथ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में मैंने बता दिए अब ये क्वेश्चन जो है पाठगत प्रश्न है जो आपके पाठ में जो पीछे प्रश्न दे रखे हैं जो भारतीय इतिहास से संबंधित जो जहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाता है है ना वहाँ पर ये ये क्वेश्चन दे रखे हैं तो पाँच क्वेश्चन है तो वो हम देखेंगे

प्रश्न संख्या दो है अशोक महान क्यों माना जाता है अशोक को महान क्यों कहा जाता है तो इसका आंसर है सम्राट अशोक का महा भारत के इतिहास में विशिष्ट स्थान है सम्राट अशोक का क्या है भारत के इतिहास में क्या है विशिष्ट स्थान है 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के में अशोक की विजय हुई किंतु भीषण रक्तपात और नरसंहार से उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उनके जीवन को नया मोड़ दिया उन्होंने भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का संकल्प लिया और अहिंसा और सदाचार पर चलना प्रारंभ कर दिया अशोक पूरी तरह मानवतावादी था अपने उसने अपनी प्रजा के उत्थान के लिए जिन नियमों का संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धम कहा जाता है तो अशोक ने क्या किया कुछ नियम बनाया किसके लिए अपने प्रजा के लिए तो अशोक ने अपनी प्रजा के लिए कुछ नियम बनाए थे और उनको स्तंभों पर यानी कि जो सिलाए है स्तंभ है पर उनको अभिलेख लिखे उनको लिखवाया जिसको धम कहा गया धम के प्रचार और उन धम के प्रचार के लिए धम के प्रचार के लिए उन्होंने उसने धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की तो जो धम के प्रचार के लिए अच्छे अच्छे नियमों के प्रचार के लिए जिस अधिकारी की नियुक्ति की थी अशोक ने उसको धम्म महामात्र कहा जाता था उसने विश्व में शांति और धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए कई धार्मिक यात्राएं की वे बोध गया की यात्रा भी की इससे बौद्ध मत विश्व में फैल गया इसके शासनकाल में तीन बौद्ध संगतियों का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया अशोक का राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य था उसने जनता के लिए कई मार्ग बनवाए और मार्ग के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए विश्राम गृह और कुओं का निर्माण करवाया पशु पक्षियों की हत्या पर रोक और बड़ों की आज्ञा का पालन करने जैसे शाश्वत मूल्यों को महत्व दिया वह प्रजा को अपनी संतान समझता था उसने अपने विचारों और आदर्शों को पत्थर के स्तंभों और शिलाओं पर खुदवाकर जनता तक पहुँचाया अशोक के ये सिद्धांत विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए हमारा मार्गदर्शन करते हैं इस प्रकार अशोक के महान कार्यों के कारण ही उसे अशोक महान माना जाता है क्या है आदित्य है। प्रश्न संख्या तीन है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पड़ोसी राज्यों के साथ स्थापित किए वैवाहिक संबंधों पर प्रकाश डालिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने सख शासक रु रूड, सिंह शीं, रुद्र सिंह तृत्य को हराकर तो देखो द्वितीय ने क्या किया था गुप्त शासक द्वितीय ने सख शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराकर पश्चिमी भारत में सको का उन्मूलन किया जो कि सक क्या है एक शासक का नाम है सको सक जो एक वंश आया टिके तो उनका नाम है तो इसने क्या किया कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उनका जो उन्होंने सख शासक रुद्र सिंह द्वितीय को हराया और सको का क्या किया उन्मूलन कर दिया उन्हें शक्को का वहाँ से नाश कर दिया इस विजय के बाद उसने विक्रमादित्य यह सकारी की उपाधि धारण की किसने धारण की यहाँ पूछा जाए आपको प्रश्न छोटा भी आ जाता है कई बार कि विक्रमादित्य की द्वितीय की उपाधि किसने धारण की थी तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी यह सकारी की उपाधि किसने धारण की है तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की इसने कई पड़ोसी राज्यों के साथ सम्मान स्थापित किए उसने नागवंश की कुमारी कुबेर नागा से विवाह किया कुबेर नागा से उत्पन्न प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया तो इस तरह से उसने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ वैवाहिक सम्मान स्थापित किए अब प्रश्न संख्या चार अठारह सौ सत्तावी क्रांति के परिणाम लिखे कि अठारह सौ सत्तावन क्रांति हुई उसका परिणाम क्या था तो अठारह की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम थे पहला है अठारह सौ ईस्वी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली तो ब्रिटिश सम्रा, सम्राट ने क्या किया है ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया भारत की सत्ता अपने हाथों में ले ली दूसरा अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को बढ़ाया तथा फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण किया तीसरा सेना में ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ा दी और तोप खाना भारतीयों के पास नहीं रखा गया क्यों नहीं रखा गया क्योंकि कभी भारतीय विद्रोह कर सकता था तोप खाना जो सस्ता गरार है वो अंग्रेजों ने भारतीयों के पास नहीं रखा उन्होंने अपने जो ब्रिटिश सैनिक है की संख्या उन्होंने बढ़ाई थी

प्रश्न संख्या पांच है भक्ति आंदोलन में रामानंद का योगदान बताइए तो भक्ति आंदोलन में रामानंद का जो योगदान है कि रामानंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ और शिक्षा दीक्षा वाराणसी में हुई रामानंद भी सगुण ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे उनका मानना था कि भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है वे समाज में फैली कुरूतियों को समाप्त करना चाहते थे उनका मानना था कि ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं और कोई भी जन्मजात ऊंचा नीचा नहीं होता उन्होंने विभिन्न जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाकर समाज में भाईचारे की भावना को विकसित किया इस प्रकार भक्ति आंदोलन में उन्होंने अपना योगदान दिया प्रश्न संख्या छह है स्वामी दयानंद सरस्वती के समाज सुधार आंदोलन में योगदान की विवेचना कीजिए तो उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती का समाज सुधार आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा इनको संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान वे वेदों के अच्छे ज्ञाता थे उन्होंने समाज में फैली क्रोतियों व पाखंडों के विरुद्ध आवाज़ उठाई एवं बहुदेववाद अवतारवाद एवं कर्मकांडों का भी विरोध किया उन्होंने वेदों के अध्ययन व ज्ञान पर बल दिया इनके लिए वेद उन्होंने इनके लिए इसके लिए उन्होंने वेदों की ओर लोटों का नारा भी दिया अठारह में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी दयानंद सरस्वती ने इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की इस संस्था के माध्यम से इन्होंने छुआछूत बाल विवाह आदि का विरोध किया इसके साथ ही उन्होंने विधवा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया आज के वर्तमान समय में इनके विचारों का बहुत अधिक महत्व है इनके वेदों के अध्ययन पर बल के कारण ही आज हम अपने भारत के इतिहास और संस्कृति को भली पका जान पाए हैं प्रश्न संख्या सात है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु क्यों महान है बताइए तो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु क्यों महान है तो उत्तर है कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में इन तीनों का बहुत महान योगदान रहा है ये तीनों भारत के महान क्रांतिकारी थे साइमन कपिंसन के विरोध प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई इसका बदला लेने के लिए इन तीनों ने सत्रह दिसंबर उन्नीस को ब्रिटिश पुलिस अधिकारी साडस की हत्या कर दी भगत सिंह ने आठ अप्रैल उन्नीस सौ को बुटेकेश्वर दत्त के साथ मिलकर यानी कि बटू के साथ मिलकर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और नारे लगाए अपनी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने भारतीय जनता में देश प्रेम की भावना को विकसित किया और अंत में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च उन्नीस को फांसी पर लटका दिया गया इन उनके इस बलिदान से भारतीय जनता में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लहर फैल गई उनके इस बलिदान और लोगों के में देश प्रेम की भावना को विकसित करने के कारण ही उन्हें महान कहा जाता है अब इस पाठ के प्रश्न तो कंप्लीट हो गए यहाँ तक अब इसी में से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जो बन हैं तो वो भी दो तीन प्रश्न अपन देख लेते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की संक्षिप्त जानकारी दीजिए तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में एक बड़े भाग में सिंधु सरस्वती सभ्यता का पता चला है यह सभ्यता सिंधु तथा तो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है भारतीय संस्कृति इतिहास में नदी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है तो यह प्रश्न कई बार आया भी है आपके ना इसी स्थान पर वेदों की रचना हुई उन्नीस सौ ईस्वी में दया दयाराम राम और उन्नीस में राखल दास बनर्जी द्वारा क्रम से हड़प्पा तथा मोहन में किए गए उत्खनन से सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता की खोज प्रारंभ हुई इस सभ्यता के प्रमुख स्थान सिंगरौली हड़प्पा मोहजोदाड़ो कालीबंगा बनावली सुरकोटड़ा लोथल धोलावीरा आदि प्रश्न संख्या दो है महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय को संस्कृत में लिखिए तो उत्तर है महात्मा बुद्ध का जन्म पाँच सौ तिरसठ ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था पिता का नाम सुदोधन और माता का नाम महामाया था उनकी माता का निधन उनके जन्म के सात दिन बाद ही हो गया उनका लालन पालन उनकी मौ, मौसी गोतमी ने किया उनका मन सांसारिक प्रवृत्तियों में नहीं लगता था सांसारिक जीवन को त्यागने का विचार उनके मस्तिष्क में चार घटनाओं को देखने के बाद आया तो यह महात्मा बुद्ध के बारे में हो रहा है कि जब उनके मन सांसारिक संसार में नहीं लगा सांसारिक जीवन में नहीं लगा क्यों नहीं लगा कि इनका जो है मन परिवर्तन हो गया उन्होंने संसार में चार ऐसी घटनाएं देखी क्या उन्होंने एक वृद्ध एक रोगग्रस्त मनुष्य एक सौ और एक प्रसंचित सन्यासी को देखा और महसूस किया कि संसार में दुखी दुख है उनतीस वर्ष में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है तीस वर्ष की आयु में पीपल के जो पीपल है पीपल के नीचे है पीपल का जो वृक्ष है उसके नीचे ज्ञान प्राप्ति और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तो पहला उपदेश बोध ने महात्मा बुद्ध ने कहा दिया था सारनाथ में दिया था अच्छा उनके गृह त्याग की घटना को क्या जाता कहा जाता है महा निष्क्रमण कहा जाता है बुद्ध ने चार आर्य सत्य दुख दुख समुदाय दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग तो दुख है दुख समुदाय यानी दुख का कारण और दुख निरोध दुख का दुख को कैसे हटाया और दुख निरोध का मार्ग क्या है और मुक्ति है तो अष्टांग मार्ग बताए चार सौ तेरासी इसी पूर्व में कुशीनगर में शरीर त्याग दिया उन्होंने बुद्ध बोध मत की स्थापना की और उनकी और इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध मत दो भागों में विभाजित हो गया हीनयान और महायान देखो तो ये थे आपके भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न जो पार्ट नंबर दो है इतिहास वाला है ठीक है उसके अंदर भारत का इतिहास और राजस्थान का इतिहास दे रखा है तो ये इतिहास से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में देख लिए अब राजस्थान का इतिहास है इसी पार्ट में जो राजस्थान के इतिहास के बारे में जो प्रश्न दे रखे हैं है ना वो हम अगले वीडियो में देखेंगे वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको भी पढ़ने में थोड़ा जोर आएगा ठीक है कि कैसे पढ़े कैसे याद करे ठीक है तो अब है राजस्थान राजस्थान के इतिहास नामक जो इसमें जो पॉइंट दे रखा है इस पार्ट में उससे संबंधित क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे तो तब तक आप इस वीडियो को देखें बार बार पढ़ें और प्रश्नों को याद करें अपनी अपनी चाहे नोटबुक में उतारे आप ना तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत